रायपुर के खरोदा इलाके में 48 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि दो आरोपी 15 दिन में रुपए डबल करने का झांसा देकर ठगी का शिकार बना रहे थे और इस तरह शहर में 48 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दे डाला। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। रायपुर में आम लोगों से धोखाधड़ी करने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसका खुलासा करते हुए खरोरा पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी एक शातिर गिरोह के सदस्य हैं, जिस गिरोह ने आम लोगों को झांसे में लेकर चंद दिनों में 48 लाख रुपए की जमा पूंजी को हड़प लिया। पुलिस पिछले कई दिनों से गिरोह की संदिग्ध गतिविधियों पर निगाह रखे हुए थी और लगातार सर्चिंग कर रही थी, जिसका नतीजा ये रहा कि अब जाकर दो आरोपी पुलिस के हत्थे चले हैं। अभी पिछले दिनों खरोरा थाने में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था 420 और चीट फंड का। इसमें इस कुमार साहू की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। एक फर्जी फ्यूचर कंपनी नाम से कंपनी बनाई गई थी और कम समय में रुपए दुगने करने का लालच देकर इन्वेस्टमेंट कराया था। इसमें प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही थी। दो अभियुक्तों को कमल देवांगन और श्रवण साहू को गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक अभिरक्षा में इनको भेजा जा रहा है। पुलिस के मुताबिक राजधानी रायपुर के खरोरा इलाके में सक्रिय ये गिरोह आम लोगों को झांसा देता था। सिर्फ 15 दिन के भीतर उनकी वक्त दुगनी कर दी जाएगी। जब पुलिस ने गिरोह के दो आरोपियों को दबोचा तो उनके कब्जे से 1,46,000 रुपए की नकदी, एक लैपटॉप, एक डेस्कटॉप, बैंक की पासबुक सहित अन्य कागजात भी बरामद किए गए, जिसके जरिए धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के बारे में कई अहम जानकारी पुलिस के हाथ लगी है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन अभी 2-3 दिन हुआ, FIR हुआ, इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्तर पे है। अभी जो जो इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य आएंगे जिनके खिलाफ भी, सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दस्तावेज और आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने खुलासा किया है कि गिरोह में कुल 3 सदस्य शामिल थे, जिसने खरोरा में द फ्यूचर नाम से एक कंपनी बनाई और आम लोगों में ये बात फैला दी कि उनकी कंपनी 15 दिन के अंदर रुपए डबल कर देती है। शुरुआत में लोगों को इस कंपनी पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब थोड़ी थोड़ी वक्त लगाने वालों के रुपए दुगने होने लगे तब कई लोग कंपनी के चंगुल में फंसने लगे। पुलिस के मुताबिक गिरोह आम लोगों को अपने चंगुल में फंसाने के लिए सबसे पहले 1500 रुपए जमा कराता था, साथ में 300 रुपए रजिस्ट्रेशन के लेता था। इस तरह 1500 रुपए को डबल करने का झांसा लेकर गिरोह ने कई लोगों को अपने शिकंजे में कस लिया और इस तरह गिरोह ने 48 लाख रुपए एकत्रित कर लिए। वो तो प्रारंभिक चरण में है, अभी 48 लाख की ठगी की जानकारी मिली है हमको। अभी जैसे जैसे इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा फिर आगे डिटेल बताएंगे। पुलिस के मुताबिक गिरोह के सदस्यों में शामिल कमल देवांगन और श्रवण साहू पुलिस के हत्थे चल गए हैं, जबकि गिरोह से जुड़े बाकी के आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम अलग अलग क्षेत्रों में छानबीन कर रही है। साथ ही गिरफ्त में आए दोनों आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि उनके साथियों के ठिकाने के बारे में पता लगाया जा सके। इधर गिरोह के खुलासे के बाद उन लोगों के बीच हड़कंप मच गया है जिन लोगों ने जालसाज कंपनी के सदस्यों को इस उम्मीद के रुपए दिए थे कि 15 दिन बाद उन्हें 1500 रुपए के बदले में 3000 रुपए मिल जाएंगे। अब ये लोग डरे हुए हैं कि इन्हें मूल रकम भी वापस मिलेगी या नहीं। वहीं पुलिस ने आरोपियों से रुपए के बारे में भी पूछताछ शुरू कर दी है। हवालात के लिए रायपुर से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। हवालात